तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि इफ और एल्स लूप कैसे यूज करते हैं। तो इफ एल्स लूप, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इफ एल्स की मीन्स, अगर आप कहीं भी कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आपको इफ और एल्स ये थोड़े कंडीशंस हैं जो लूप कंडीशंस हैं, यानी जो जरूरी हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि मीन्स, अगर आप इफ और एल्स जानते हो कैसे वर्क करना है, तो आप कोई सा प्रोग्राम लिख लो यार, कोई छोटा से छोटा प्रोग्राम लिख लो। जैसे कल हमने लास्ट ये प्रोजेक्ट बनाया था अपना, ये देख सकते हो आप, ये वाला। इसमें हमने क्या लिखा था कि इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर लिखे थे, मतलब कि अगर मेरा स्ट्रिंग नहीं है तो फिर ये फॉल्स आना चाहिए था या एरर मैसेज आना चाहिए था। तो इन सब चीजों के लिए आप इफ एल्स रूल्स का उपयोग यूज करोगे, और ये एरर हैंडलिंग में भी काम आती है। बहुत सारी एरर हैंडलिंग हो गई, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें, इफ अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो नेक्स्ट वर्क कराएंगे। तो आज हम इसका जैसे एग्जाम्पल सीखते हैं, इसके बाद हम न्यू मतलब कि स्टैंडर्ड जाएंगे तो और ज्यादा करेंगे इसके बारे में। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इफ और एल्स के लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इफ एल्स न्यू डॉट पी वाई, ये मैंने एक पहली फाइल क्रिएट कर ली। अब मुझे क्या करना है, इसमें प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम हम सभी स्कूल के होंगे तो स्कूल में क्या कर लेते हैं, सिंपल सा पासिंग मार्कर बना लेते हैं कि 40 से जो कम होंगे वो फेल हैं, जो 40 से ज्यादा इनके मार्क होंगे वो पास होंगे। तो इसमें हम करते हैं मार्क इक्वल टू 40 कर लेते हैं, ये पासिंग मार्क है। अब हमें इनपुट लेना है कि कितने बंदे के, मतलब किस स्टूडेंट के कितने नंबर आए। तो मैं स्टूडेंट मार्क इक्वल टू, ये हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेकर के हम बता देंगे कि वो बंदा पास है या फेल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो मैं लिखता हूं इंटर ए, इंटर योर मार्क, ठीक है। अब क्या करूंगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास एक मैसेज आएगा इंटर योर मार्क्स। अब मुझे करना क्या है, जो कि लास्ट में मैंने कहा था कि मार्क्स जो आते हैं वो स्ट्रिंग में आते हैं, हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंटीजर में वैल्यू में वर्क करना है। तो मैं अब स्टूडेंट मार्क इतना बड़ा सा, मैं इसको कहीं और यूज करना नहीं चाहूंगा, तो मैं लिख दूंगा सिंपल एस एम, एस एम ले लेता हूँ स्टूडेंट मार्क इक्वल टू आई एन टी, इसके अंदर स्टूडेंट मार्क को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ क्या काम हो गया, एस एम हो गया। एस एम जो हमारा वेरिएबल है, जिसको मैंने अब पहले बता रखा है, इसकी पहली वीडियो आप देखोगे तो मैंने वेरिएबल सेट करना है, बताया कि वेरिएबल कैसे करते हैं। वेरिएबल ये इक्वल टू वेरिएबल ऑपरेटर है, इसने एसएम को स्टूडेंट मार्क को कन्वर्ट करके आईएनटी में ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इफ और एल्स रूल लगाना है। इफ एसएम इक्वल टू, ओ सॉरी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्क, मार्क हमने पहले सेट कर रखा है, मीन्स या इसके बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो हमें अब एक्शन लिखना है। पहले हमने कंडीशन लिख लिया, अब कंडीशन के बाद एक्शन लिखेंगे। प्रिंट, हम प्रिंट कंडीशन लिख देते हैं पास्ट, पास्ट लिख देते हैं, और यहां लगाते हैं एल्स। एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की, अगर मैं दो ही लगा रहा हूं, मैं अगर इफ और एल्स लगा रहा हूं, तो अब इसे पता है कि इससे तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मतलब किससे छोटी होगी। तो एल्स लगाते हैं, एल्स लिख देते हैं प्रिंट फेल्ड, अब इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब चेक कर देखते हैं हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले हमने इसको रन किया, इंटरव्यू मार्क्स कह रहा है, मैं यहाँ मार्क्स डालता हूँ अपने 30, 23, ये लिख रहा है फेल्ड। फेल्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इसको ठीक लगा देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं और दोबारा रन करते हैं। 23 में इसने फेल्ड दिखाया था, मैं इसकी ज्यादा 40 से अब मार्क डालूंगा इसके अंदर। मैंने फिर प्रोग्राम रन किया, अब मैं डालता हूं 70, एंटर करता हूं,
पास, ये देखो पास दिखा रहा है। फिर दोबारा रन करते हैं, दोबारा मैं क्या करता हूँ, इस बार डालता हूँ 40, 40 पास दिखा रहा है। फिर दोबारा रन करते हैं, इस बार डालता हूँ 39 टेस्ट करने के लिए, फेल्ड। तो हमारा इफ और एल्स का जो कंडीशन थी वो हमारी बन चुकी है। मतलब कि अगर मैंने कंडीशन दिया कि ये अगर इसके बड़ा, इससे बड़ा है या छोटा है, तो हम ये पास हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। अब हम प्रिंट ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कुछ और नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, अगर ऐसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको इसके एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें नया लिखते हैं इफ एल्स डॉट पी वाई। ये मैंने ऐसे रैंडम नेम ले लिया क्योंकि सेम प्रॉब्लम करता है। अब क्या करना है, मुझे चेक करना है कि मैं क्या करूंगा, ऑपरेशन करूंगा मैं इस प्लस और माइनस से कर दूंगा। मैं इससे करते हैं प्लस माइनस कुछ ऑपरेशन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हम प्रिंट के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि प्रिंट ही कर सकते हैं हम। तो ग्रेस मार्क का कर लेते हैं, 40 है, 40 से अगर लेस है तो उसको ग्रेस मार्क दे करके उसको पास किया जा सके। ठीक है, तो मैं फिर यहां लिख लेता हूं मार्क, जल्दी बना लेता हूं मार्क इक्वल टू 40, जो कि हमने पहले मार्क मतलब पासिंग मार्क कर रखा है, इक्वल टू इनपुट यहां पे एंटर योर मार्क फिर सॉरी थोड़ा एस एम इज्कवल टू आई एन टी एस एम, इसको ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते थे चाहते तो। अब मैंने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरे पास क्या है, इफ एस एम इज ग्रेटर देन और इज्कवल टू मार्क, इसे क्या बताना है, प्रिंट पास else, अगर इसकी कम है तो। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, मीन्स इसमें ऐड क्या करना है हमें, अब मुझे ऐड करना है कि जितने मार्क इसके कम हो रहे हैं 40 से, क्या करूंगा 40 माइनस वेरिएबल लेते हैं जी ग्रेस मार्क इक्वल टू 40 माइनस कितना करूंगा मैं मार्क, जो इसका ऐसा मार्क है ये मैंने कर दिया जी इक्वल टू 40 माइनस, मैंने इसे मार्क कर दिया। अब लिखूंगा इसको मैं प्रिंट जी को पहले स्ट्रिंग कर लेते हैं, जी इक्वल टू एस टी आर जी। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट में मैं स्ट्रिंग और इंटीजर्स के साथ प्रिंट नहीं कर सकता, तो अब मैं यहां करूंगा प्रिंट। अब मैं यहां लिखता हूं इज एडेड, ओके okay. इस एडिट में क्या होगा जी, सॉरी अंदर लिखना है जी, जो कि हमारा पहले से स्ट्रिंग है इसलिए हमको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। जी प्लस कॉमा प्लस एम आर के। अब क्या आएगा मेरे पास, कि मेरे पास जी आया और इसमें से मैंने 40 हटा दिया और ये आ जाएगा कि इतने मार्क तुम्हारे एडिड हुए हैं। और लेकिन उसके पहले मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारे करंट मार्क कितने थे, प्रिंट यू आर फेल्ड विथ मार्क एसएम, और यहां पे हमें एसएम को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसएम इक्वल टू एसटीआर एसएम। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि ये स्ट्रिंग लेता नहीं, और मतलब कि ये स्ट्रिंग होता है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ हम इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल एस सेव करते हैं और सेव शो करते हैं, चला रन करते हैं, सेव कर दिया, रन किया मैंने इंटर मार्क। अगर मैं 12 रन करता हूँ
यहाँ मैंने गलती कर रखी, यहाँ पे इस पर टू जगह मैंने ये लगा रखा है, कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। अब रन करते हैं, इंटरव्यू मार्क, इंटरव्यू मार्क में क्या करता हूं मैं, 12 डालता हूं। यू हैव फेल्ड विथ मार्क 12, 28 मार्क इज एडेड। जैसे मैं करंट मार्क दिया नहीं मैं इसका, तो प्रिंट कर देते हैं फिर से, प्रिंट। योर करंट मार्क इज दिया, मैं 28 में ऐड कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया, इसको फिर रन करते हैं। अब देख सकते हो आप इसमें अगर मैं 30 डालता हूँ तो ये मेरा 10 मार्क ऐड कर रहा है, 40 मार्क ऐड हो जा रहे हैं मेरे। लेकिन क्या मतलब, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम कुछ और 40 से ऊपर डालते हैं, 43, ये बता रहा है पास। तो अब देख सकते हो आप सिंपल से प्रोग्राम से आप समझ सकते हो कि इफ और एल्स का क्या यूज कर सकते हैं। फिर हमें इफ यूज करना है, हमें कंडीशन देनी है, उसके बाद हमें एक ऑपरेशन देना है या डिफिनेशन देनी है कुछ भी कि ये वर्क करे। हमें फिर एल्स देना है, एल्स में क्या करना है हमें, उसमें भी बता सकते हैं जो कि अगर इफ अगर हमारा कंडीशन हो रही है तो हम उसमें वर्क करेंगे, और एल्स अगर नहीं हो रही तो उसमें वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो कि आखिर इफ और एल्स हमें यूज कैसे करना है, क्या इसकी कंडीशंस हैं। इसके आगे हम नेस्टेड इफ और एल्स की यूज करेंगे। तक आप मेरे वीडियोस को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में डालें।